नीट परीक्षा को लेकर जांच की मांग लगातार हो रही है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए में कुछ गड़बड़ियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री ने एनटीए पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एनटीए में भी अगर कोई दोषी होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के सपने पर जब सिस्टम की ओर से पानी फेरने का आरोप लगता है, तब ऐसे ही सड़कों पर देश का भविष्य अपने हक की लड़ाई के लिए उतर आता है। नीट यूजी टॉपर घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कोर्ट और अब सड़क पर हल्ला भी। लेफ्ट विंग के छात्रों ने 2 दिन के लिए देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो वही NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का घेराव करने पहुँचे। हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी करते हुए NSUI ने परीक्षा रद्द करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री से नहीं मिल पाए, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा और दायर कर दिया। वैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना है कि नीट के संबंध में 2 तरह की व्यवस्था का मुद्दा सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी माना कि NTA में बहुत सुधार की जरूरत है। दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है, हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय NTA का स्वायत्त संस्था था, लेकिन NTA की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। उधर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ सवालों के जवाब अब तक मिल चुके हैं, जबकि कुछ के अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नीट परीक्षा की CBI जांच होगी, क्या NTA में व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। 8 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। नीट में धांधली के आरोपों के बीच सियासी तकरार की किश्त भी लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष ने इसे सरकार को घेरने का हथियार बना लिया है। देश के बच्चों का भविष्य गर्त में है। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप भी किसी अयोग्य डॉक्टर से इलाज कराना पसंद नहीं करेंगे। देश के बच्चों के भविष्य के मामले में तो राजनीति बंद कीजिए। सत्ता की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। नीट की परीक्षा में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो सूरत का सेंटर हो चाहे पटना का सेंटर हो। 2 सेंटर तो खुल गए हैं। आपको कम से कम स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन यहाँ पर भी आप अपने सत्ता पद और प्रभाव की लोलुपता को सामने रख रहे हैं, प्रथम रख रहे हैं, प्राथमिक रख रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री मानवर धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है, और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें बड़े ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया, उनसे मोबाइल ले लिए गए, उनको क्वेश्चन पेपर 1 दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। ऐसे 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है, बाकियों को नोटिस दिया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था